23वां बाब और उसकी 15वीं आयत से ये थ्रेडिए मुंह से बुकें तेईस बाब और उसकी 15वीं आयत से आंटी मेरा नहीं बात सफा नंबर 116 पर पुराने नामों में और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिससे हलाने की कुर्बानी के लिए पूरा लाओगे गिनना शुरू करना जब तक सात सब्बत पूरे ना हो जाए और सातवें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना तुम अपने घरों में से एफा के दो दहाई हिस्से के वजन के मैदा के दो गिरते हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे खुदावंद अपने पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे आमीन। दूसरी तिलावत नए ऐहदनामा में से अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से सफा नंबर 108 पर नए ऐहदनामा में अमाल दो बाब और उसकी पहली आयत से जब ईदे पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मसपतपिया मियां मसोत कामिया और यहूदिया और कुप्तगिया और पेंतूस और आसिया और फिरोगिया और पंफलिया और मिस्र और नबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ से है और रूमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और क्रेती और अरब हैं मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं और सब हैरान और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है और बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा मैं के नशा में है। खुदावंद अपने पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे आमीन।